वहीं उत्तराखंड में चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज कांग्रेस नेता यशपाल आर्या बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यशपाल आर्या नैनीताल से चुनाव लड़ सकते हैं। आर्या के साथ उनके बेटे संजीव आर्या के भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बातें सामने आ रही है। तो उत्तराखंड चुनाव से पहले एक और झटका यहाँ पर लगा है कांग्रेस को। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके यशपाल आर्या बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि नैनीताल से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी के की नीतियों से प्रभावित होकर जो उनके राज्य देश का निर्माण और राज्य के निर्माण में जो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और एक समरसता की जो उन्होंने बात कही है हमेशा और उत्तराखंड को एक नई दिशा देने में उन्होंने उनका योगदान रहा है और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, चौमुखी विकास हो, समग्र विकास हो और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सक्षम है और मैं निश्चित रूप से प्रभावित हुआ हूँ। आज इसलिए मैंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर, त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की मैं सम्मिलित हुआ हूँ।